आज बात करेंगे जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री की। आप बोलोगे इसको समझने की क्या जरूरत है, इसको समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर आप हिस्ट्री समझोगे तो समझोगे कि फ्रेमवर्क्स क्यों आए हैं, क्यों एंगुलर आया, क्यों रिएक्ट आया, क्यों व्यू आया, इनकी क्या ज़रूरतें हैं। और जब आप किसी इंटरव्यू में जाओगे तो आप इत्मीनान से समझा पाओगे सामने वाले को, क्योंकि आपको इत्मीनान से चीज़ें समझ में आएंगी। इसलिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखिए। आज से 20-30 साल पहले की बात है, जब जावास्क्रिप्ट इतना फेमस नहीं हुआ करता था। 1990s में जावास्क्रिप्ट का बस एक काम था और वो था क्लाइंट साइड वैलिडेशन। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर आपने कुछ इनपुट डाला है तो वो इनपुट सही है कि नहीं, रेंज में है कि नहीं, अगर आपने ईमेल आईडी डाला है तो वो ईमेल जैसा दिखता है कि नहीं, इस तरह की चीज़ें करना जावास्क्रिप्ट का काम था। ठीक है, जावास्क्रिप्ट से थोड़े मोड़े छोटे मोटे एनिमेशन वगैरह इफेक्ट्स भी लोग बना दिया करते थे, बट उसका इतना ही काम था और इसलिए जावास्क्रिप्ट को बहुत इज्जत नहीं मिलती थी। 2004 में गूगल ने एक ऐप रिलीज किया जिसका नाम था जीमेल। ये एक वेब ओनली ऐप था और इसने धूम मचा दी। भाई इसमें क्या था, पूरा का पूरा ऐप सिंगल पेज ऐप था। इसके पहले लोगों ने इस तरह के ऐप देखे नहीं थे जहां पर आप एक मेल पे जब आप क्लिक करते हो तो पूरा का पूरा ऐप वाइट नहीं हो जाता। क्या होता है, सिर्फ वो मेल खुलता है, साइड का जो आपका साइड बार है वो वैसा का वैसा ही रहता है। तो ये बहुत नया था 2004 में, इसको सिंगल पेज एप्लीकेशन बोलते थे। डेस्कटॉप ऐप्स हमेशा से ऐसे बिहेव करते थे, डेस्कटॉप ऐप्स में आप कोई चीज पे क्लिक करो तो पूरा का पूरा ऐसे वाइट नहीं होता था। बट इसके पहले वेब ऐप्स या इस टाइम पे सारे वेब ऐप्स भी ऐसे ही बिहेव किया करते थे कि कुछ भी आप कर रहे हो वेब के थ्रू तो पूरा व्हाइट होगा और फिर पूरा का पूरा नया पेंट किया जाएगा। लोगों को पहली बार पता चला कि वेब में भी हम डेस्कटॉप लाइक एप्लीकेशंस कर सकते हैं, जिसको हम कहना शुरू किए सिंगल पेज एप्लीकेशंस, क्योंकि इसमें एक पेज पर ही सब कुछ लोड होता रहता था। पर ये कमाल हुआ कैसे, इसके लिए हमें समझनी पड़ेगी जावास्क्रिप्ट और डायनामिक एचटीएमएल के जन्म की कहानी। इसका जन्म होता है मेरी फेवरेट कंपनी यानी माइक्रोसॉफ्ट में। 2000 के टाइम पे यानी कि 2000s में माइक्रोसॉफ्ट और इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है उसका वेब पे राज था। हालांकि बहुत ही खराब स्ट्रेटेजी थी, देखा जाए तो उसने माइक्रोसॉफ्ट को बहुत बदनाम भी किया एम्ब्रेस और एक्सटिंग्विश करने के चक्कर में, पर उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। पर इस समय क्या हुआ, इस समय आउटलुक जो कि एक वेब ऐप था उसमें में इन्होंने एक नई चीज इंट्रोड्यूस की। इसका नाम था XML HTTP रिक्वेस्ट, जिसको हम छोटे में बच्चों में एजैक्स कहते हैं। एजैक्स सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ऐप में आया और इसने सब कुछ रिवॉल्यूशनाइज कर दिया। आप बोलोगे भैया ऐसा क्या हुआ एजैक्स में, देखो समझो, पहले क्या होता था कि जब आपको डेटा लाना होता था सर्वर से, जब आपको सर्वर से डेटा चाहिए होता था तो आपको एक रिक्वेस्ट भेजना पड़ता था और सर्वर जो है पूरा का पूरा पेज बनाकर वो डेटा आपको भेजता था। XML HTTP रिक्वेस्ट ने ये किया कि आप डेटा विदाउट सेंडिंग अ पेज, विदाउट गेटिंग अ पेज भी ला सकते हो, आप एक चंक में चीजें ला सकते हो, आपको पूरे पेज को ऐसे पोस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बहुत पावरफुल चीज थी उस टाइम पे, बट आज हमें नहीं लगती क्योंकि हम सब जगह देख रहे हैं। पर इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि अब जो इंक्रीमेंटल डेटा अपडेट्स आपको चाहिए उन डेटा अपडेट्स के लिए आपको पूरे के पूरे पेज को रीरेंडर करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो HTML जो है वो DHTML हो गया, यानी कि डायनामिक HTML हो गया, क्योंकि अब आप HTML को ऑन द गो रेंडर कर ले रहे थे। एजैक्स और जीमेल के आने से वेब डेवलपमेंट वर्ल्ड में तो एकदम हलचल ही मच गई। हर किसी को अब अपना वेब ऐप ज्यादा इंटरैक्टिव चाहिए था, ज्यादा बढ़िया चाहिए था। तो 2006 में इसको सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए jQuery आया। आपको कि jQuery से क्या फायदा हुआ, jQuery का सबसे बड़ा फायदा यह था कि वो अक्रॉस ब्राउजर एक API एक ही जैसा कोड लिखना पड़ता था। आज के समय में ये समस्या आपको नहीं आती है क्योंकि आपका रिएक्ट हो, एंगुलर हो, व्यू हो, ये इन चीजों को देख लेता है। इतना ही नहीं, आज के समय में जितने भी ब्राउजर्स हैं वो बहुत कंसिस्टेंटली APIs को फॉलो करते हैं, लेकिन 2000 में, 2006 में, 2005 में जब jQuery आया था तो ऐसा नहीं था। हर ब्राउजर अपने मन से कुछ कुछ करता रहता था, APIs में कंसिस्टेंसी नहीं थी और बहुत ही बुरा हालत था वेब का। ऐसे टाइम पे jQuery एक हीरो की तरह आया और उसने बोला कि यार बस jQuery में लिखो, बाकी ब्राउजर डिपेंडेंसी मैं देख लेगा। और उसके APIs बहुत फ्रेंडली थे, बहुत फ्रेंडली थे, तो लोगों ने jQuery में लिखना शुरू किया। इसी के साथ साथ एक और फ्रेमवर्क आया जिसका नाम था एम्बर। एम्बर ने बोला कि देखो
इस स्ट्रक्चर में अगर कोड लिखोगे तो काफी सुंदर और साफ कोड रहेगा और आप एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकोगे मेरे अंदर कोड लिख के आने, क्योंकि मैं एक फ्रेमवर्क हूं। इस टाइम पे एम्बर और जेक्वेरी की मदद से लोग इस तरह का ऐप लिखना चाह रहे थे जो डेस्कटॉप ऐप के जैसा बिहेव करे, पर प्रॉब्लम होने लगी। जैसे ही आप ज्यादा कोड फ्रंट एंड पे लिखने लगे, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि आप कोड को मेंटेन कैसे करो। जैसे कि जेक्वेरी में सारा का सारा कोड ऑन लोड के बाद लिखना होता था, तो एक बड़ा सा मेन फंक्शन हो जाता था। आप कहोगे कि फंक्शंस में अलग अलग कर सकते थे, यस कर सकते थे, पर कोई स्ट्रक्चर नहीं था। तो जो एडवांस जो एक्सपर्ट जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स थे वो तो बहुत अच्छे से अपना कोड रख पाते थे, मेंटेन कर पाते थे, बहुत सारे तरीके लगाए उन्होंने, बट नोविस डेवलपर को, न्यू डेवलपर्स को बहुत मुश्किल होती थी ढंग का एक ऐप लिखने में, एक वेब ऐप लिखने में। आज जितना आसान है Next.js में ये करना, एंगुलर व्यू में करना, उतना आसान पहले नहीं था। एम्बर के साथ ये समस्या चल रही थी कि इवन दो उसमें कोड में स्ट्रक्चर तो था, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा हैंड होल्डिंग करनी पड़ती थी, तो आपको बहुत ज्यादा कोड लिखना पड़ता था। देखो कहानी लंबी है और सुनाने में मजा आ रहा है, तो तुम लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अभी बहुत सारी ऐसी प्यारी प्यारी कहानियां सुनानी बाकी है। इस टाइम पर लोगों को लगने लगा था कि कुछ मॉडर्न जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स भी बहुत जरूरी है, और 2010 में ये कमी पूरी की बैकबोन JS ने आकर। बैकबोन ने क्या कहा? बैकबोन ने कहा, देखो बेटा तुम्हें परेशानी हो रही ना, कोड सब एक जाता एक जगह पे मैसी हो रहा है, तो ऐसा करो मॉडल यहां लिखो, व्यू यहां लिखो, कंट्रोलर यहां लिखो, और इन चीजों को सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स कहते हैं। तो अलग अलग कर दिया कि मॉडल अलग जगह लिखा जाएगा, व्यू अलग जगह लिखा जाएगा, और कोड को इस तरह से स्ट्रक्चर किया जाएगा। इतना ही नहीं, एक इवेंट ड्रिवन कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क भी घुसाया जिससे आप अलग अलग कंपोनेंट्स एक दूसरे से बात कर पाते थे। इससे क्या हुआ, जो jQuery की परेशानी थी कि कोड पूरा का पूरा स्पेगेटी हो जाता था, वो काफी हद तक स्ट्रक्चर्ड हो गया। पर बैकबोन में क्या दिक्कत हुई? बैकबोन में भी एक दिक्कत थी कि उसमें भी बहुत सारा कोड लिखना पड़ रहा था, क्योंकि पूरा का पूरा डॉम आपको खुद से मैनेज करना पड़ रहा था। दूसरी समस्या क्या हुई, क्योंकि इसके ओपिनियंस स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इसलिए आपको नहीं पता कि कौन सा कोड कहां लिखा जाए। हाँ, इसको आप इधर लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, इसको इधर लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। तो फिर से जो नए डेवलपर्स थे उनको दिक्कत हो रहा था एक स्ट्रक्चर मैनेज करने के लिए। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ए, सारा का सारा डॉम मैनेजमेंट खुद नहीं करना पड़े, और बी, हाईली ओपिनियनेटेड स्ट्रक्चर आए कोड में। इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक नया खिलाड़ी मैदान में उतरा, इसका नाम था Angular.js। Angular.js ने काफी हल्ला मचाया, क्योंकि वो गूगल की तरफ से आया था, और सबसे मजेदार बात इसमें ये थी कि इसमें सारा का सारा डॉम मैनेजमेंट आपको खुद से नहीं करना था। jQuery, एम्बर, बैकबोन, इन्होंने कोड को स्ट्रक्चर तो दिया था काफी ज्यादा, बट फिर भी आपको बहुत ज्यादा मैनुअल काम करना पड़ता था डॉम मैनेजमेंट के लिए। Angular.js ने क्या बोला, यहां डेटा लिख दो, इस डेटा का एक डायरेक्टिव यहां लिख दो, ऑटो मैजिकली दोनों अपने आप में सिंक हो जाते थे। यार ये तो बहुत अच्छा है, इसमें तो बहुत सारा काम कम हो गया। यही नहीं, Angular.js पहली बार रियूजेबल कॉम्पोनेंट को भी लेकर आया, जो हम रिएक्ट में या बाकी जगह देखते हैं, लेकिन उसका नाम डायरेक्टिव था। हार्ड था यूज करना, इतना आसान नहीं था रिएक्ट की तरह, लेकिन फर्स्ट टाइम वो कॉन्सेप्ट भी आया कि आप अपने रीयूजेबल कंपोनेंट्स, अपने रीयूजेबल एचटीएमएल मार्कअप्स बना सकते हैं Angular.js के थ्रू। Angular.js ने जो तीसरी चीज की, वो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ओपिनियनेटेड कोड स्ट्रक्चर का, वो भी उसने कहा कि देखो सर्विसेज यहां लिखेंगे, व्यू को यहां लिखेंगे, लॉजिक को यहां लिखेंगे, और जब आपको चीजें बनानी होंगी आपको 3-4 फाइल बनाने पड़ेंगी, और उन फाइल में इस तरह से आपको कोड लिखना पड़ेगा। तो काफी स्ट्रक्चर्ड और ओपिनियनेटेड फ्रेमवर्क था Angular.js अपने टाइम पे। Angular.js में टू वे डेटा बाइंडिंग थी जो मैजिक था, डिपेंडेंसी इंजेक्शन था, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें थी। उसमें अपना एक राउटिंग भी बना हुआ था, बहुत स्ट्रक्चर था हर चीज का, लेकिन Angular.js के साथ एक प्रॉब्लम होती गई। प्रॉब्लम क्या होती है पता है? प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी नया कुछ आता है और लोग ज्यादा कोड लिख पाते हैं आराम से, तो सोचते हैं यार ये वाली फंक्शनैलिटी भी अब डेस्कटॉप पे ही करेंगे, ये वाली फंक्शनैलिटी भी अब क्लाइंट पर ही करेंगे, इसको भी सर्वर के पास नहीं जाने देते, या आपका UX और बेटर होता चला जाता। तो ये जो पुश करते हैं ना हम लोग, वेब डेवलपर्स फ्रंटियर को पुश करते हैं, उससे जो फ्रेमवर्क है वो पीछे छूट जाता है। तो Angular.js के साथ भी यही हुआ, लोग बड़े बड़े भारी भारी ऐप लिखना शुरू कर दिए। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप, जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ज्वाइन की थी, वो पूरा का पूरा ऐप Angular.js में लिखा हुआ था। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम इससे ये हो रही है कि Angular.js की जो टू वे डेटा बाइंडिंग है, उसमें जो अपडेट मॉडल चलता है, वो इतने बड़े बड़े ऐप्स के लिए बना ही नहीं था। तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि बहुत स्लो हो जाता था, जब भी आप एक चेंज करते थे उसको कैलकुलेट करना पड़ता था कि कहां कहां इसको व्यू में अपडेट किया जाए, उस चीज के कारण वो काफी स्लो हो जाता था, और स्लो होने के साथ साथ अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी आ गई थी। तो Angular.js जिसने
इतना फॉरवर्ड पुश किया वेब को, वो खुद परेशान होने लगा था। और तो इस समय जो टीम है, गूगल की जो टीम है, उसने सोचा कि हम इन परफॉर्मेंस इश्यूज को फिक्स करते हैं। कैसे फिक्स करते हैं? चलो यार एक नया फ्रेमवर्क लिखते हैं जिसमें एंगुलर जेएस की जितनी परेशानियां थे हम उसको फिक्स कर देंगे। उन्होंने उसका नाम रखा एंगुलर 2। लेकिन एंगुलर 2 एक बहुत बड़ी समस्या लेकर आया। एंगुलर 2 ने क्या कहा कि भैया हम फिर से पूरा नया लिखेंगे और जो एंगुलर जेएस का कोड है वो सब बेकार, कोई बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी नहीं होगी, कोई माइग्रेशन पाथ नहीं बताया गया। तो एंगुलर जेएस की जो इतनी बड़ी कम्युनिटी थी उसे बहुत धक्का पहुंचा, क्योंकि आप ये भरोसा रखते हो कि आपने अगर मान लीजिए 10,000-50,000 लाइन का एक कोड बेस लिखा है तो वो एकदम से अनयूजेबल नहीं हो जाएगा। इससे क्या होती है, आपको लगता है कि यार मैं भरोसा नहीं कर सकता अब इन लाइब्रेरी मेंटेनर्स पे। और एंगुलर 2 की जो टीम थी उन्होंने कहा यार हम तो नया लिखेंगे, हम तो बिल्कुल फ्रेश करेंगे, हम बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी भी नहीं बताएंगे, हम माइग्रेशन पाथ भी नहीं बताएंगे। तो लोगों ने गुस्से में एंगुलर जेएस को नए ऐप में यूज करना बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि एंगुलर 2 कब आएगा, कैसा होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। और अगर एंगुलर जेएस में लिख रहे हैं तो उसके भविष्य की भी कोई गारंटी नहीं थी कि भैया ये चलेगा नहीं चलेगा, स्केल करेगा नहीं करेगा। तो एकदम से जब आप इस तरह के इंडिसीजन में रहते हो तो आप क्या बोलते हो, कुछ नया है क्या? और नया क्या था उस समय? नया था रिएक्ट। 2013 में रिएक्ट आया था। अब आगे की कहानी हम पार्ट 2 में देखेंगे कि जो मॉडर्न फ्रेमवर्क्स हैं बिल्कुल नए वाले, रिएक्ट, व्यू और एंगुलर 2, इन्होंने क्या प्रॉब्लम सॉल्व किए, कैसे किए और अब यहां से ये फ्रेमवर्क्स आगे कहां जा रहे हैं, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। पार्ट 2 का वीडियो जल्द आ रहा है।